साथियों नमस्कार, मेरा नाम है शिव कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बी कीपिंग इंडिया। साथियों आज हम हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी हैं श्री अशोक कुमार गोस्वामी जी, जिनसे हम बीच में कई बार मुलाकात कर चुके हैं और कई विषयों पे हमने वीडियो बनवाई थी। तो आज भी मैंने इनसे बड़ा कीमती टाइम रहता है इनका और बड़ी मुश्किल से आज मिले हैं, तो थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे सर से। और आज सर से हम पूछेंगे कि लेइंग वर्कर की जो प्रॉब्लम है वो क्यों आती है और इसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं, और आप सबके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से लाभदायक रहेगी। तो सर प्लीज़ बताएं हमें कि लेइंग वर्कर की प्रॉब्लम क्यों आती है और किस कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं। ये हमारा मधुमक्खी जो काम है इसमें हमारे पास तीन प्रकार की मक्खियाँ हैं। एक डिब्बा जो है वो तीन प्रकार की मक्खियों से बना है। वैसे तो नर और मादा दो ही होती हैं, परंतु हम इसे तीन प्रकार इसलिए कहते हैं कि नर तो होता है ड्रोन, जिसको हम कहते हैं ड्रोन, और मादे होती हैं वर्कर भी, और उन्हीं में से एक सिलेक्टेड होती है क्वीन। जिस समय क्वीन किसी भी वजह से डिसेबल्ड हो जाए या रिमूव हो जाए, या क्वीन को हम चेक करते हैं जब बीकीपर इंस्पेक्शन करता है, उस इंस्पेक्शन के दौरान वो क्वीन की डेथ हो जाए, तो ये लेइंग वर्कर प्रॉब्लम आ जाती है। और लेइंग वर्कर प्रॉब्लम अक्सर आती तो हमारी गलती से ही है, क्योंकि जब अगर हमने डब्बे का इंस्पेक्शन करनी शुरू करी और हमें ये ध्यान नहीं रहा भाई क्वीन कौन से फ्रेम पे है और हम उसे रखते चले जाते हैं, तो कई बार वो क्वीन फ्रेमों के बीच में आ जाती है या किसी वजह से मतलब दब जाती है और उसके बाद क्वीन की डेथ हो जाती है। वैसे तो वर्कर हर हालत में क्वीन बनाने की कोशिश करता है, परंतु कई बार वर्कर क्वीन नहीं बना पाता क्योंकि लार्वा या फूड की स्कर्सिटी मान लो, या किसी वजह से प्रॉपर अंडा वर्कर को छत्ते में नहीं मिलता जिससे क्वीन बना सके। जिससे वो क्वीन नहीं बनेगी तो जब वो कम से कम 18 दिन क्वीनलेस डब्बा अगर रह जाएगा तो जो वर्कर हैं वो रॉयल जेली तो बनाता ही है, बेबी वर्कर है, जितना बेबी वर्कर उस ब्रूड खुलेगा जब ये अपनी डेवलपमेंट की प्रोसेस में वर्कर की जो जो डेवलपमेंट होती है तो वो रॉयल जेली छोड़ते ही छोड़ता है, और ये रॉयल जेली एग हैचिंग के लिए और क्वीन बनाने के लिए ये बड़ी कंपलसरी है, क्योंकि जब हमने क्वीन बनानी है तो भी रॉयल जेली की रिक्वायरमेंट है, और जब हमने अंडे से वर्कर बनेगा या मेल बनेगा ड्रोन बनेगा तो भी ये ज़रूरी है, क्योंकि पहले 3 दिन अंडे को लार्वा में कन्वर्ट करने के लिए रॉयल जेली बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये आपकी प्रोसेस आगे बढ़ता है। परंतु जब 18 दिन क्वीन ना रहे और वो रॉयल जेली वर्कर खा लेते हैं, वर्कर खा लेने से क्या है कि उनका एब्डोमेन डेवलप हो जाता है, क्योंकि फीमेल तो वो है, सिर्फ उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, क्वीन जेली उन्हें नहीं मिलती थी जी, क्योंकि वर्कर को 3 दिन के बाद वर्कर या ड्रोन को पोलन और शुगर प्लस पानी ये फीड दी जाती है, इसलिए इसकी क्लासिफिकेशन वर्कर की हो जाती है जी, जी, और क्वीन को सिर्फ रॉयल जेली ही मिलती है। उसको अगले 5 दिन भी और पहले 3 दिन भी 8 के 8 दिन रॉयल जेली के अलावा कुछ नहीं दिया जाता, और आप ये मानकर बड़ा अचंभित हो गए कि क्वीन के लिए वर्कर एक दिन में 24 घंटे में कम से कम 3300 से 5500 बार अच्छा वो अंडे को विजिट करता है, और जबकि वर्कर के अंडे को वो 600 से 900 बार विजिट करता है, और वर्कर के अंडे में सिर्फ पोलन शहद और पानी डाला जाता है वर्कर के द्वारा, और क्वीन सेल में रॉयल जेली डाली जाती है, और वो इतनी हुज मात्रा में होती है कि रॉयल जेली के अंदर वो लार्वा तैरता ही रहता है अच्छा, तो वो क्वीन बनता है, क्योंकि उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप हो जाता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है, क्वीन सेल भी बड़ा होता है, क्वीन सेल वर्कर बड़ा बनाते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। परंतु जब क्वीन किसी वजह से भी यह वो स्वार्म में ख़त्म होगी या किसी और वजह से ख़त्म होगी या इंस्पेक्शन में ख़त्म होगी, या कई बार ऐसा होता है कि ड्रिफ्टिंग होती है, ड्रिफ्टिंग में भी कई बार बाहर की मक्खियाँ आके क्वीन को मार देती हैं, मधुमक्खी की लिविंग चीज है, उस डब्बे में कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, किसी भी दुर्घटना बस वो मक्खी रानी मक्खी मर सकती है, और जब रानी मक्खी मरती है तो इसके अंदर एक रुदन पैदा होता है,
वर्कर के अंदर रुदन पैदा होता है और ये रोमिंग की आवाज़ आती है। ये एक्सपीरियंस है आपको, अगर आप डब्बे के उंगली मार के ठक देसी जब उंगली मारते हो डब्बे को, तो वो आपको मैं बता दूंगा, ये शिव कुमार जी इसमें ऐड भी करेंगे, तो उसमें एक आवाज़ आती है क्यों, तो उस आवाज़ को सुनने की आप कोशिश करो। जिस डब्बे में रानी नहीं होगी उसकी वो आवाज़ इतनी तेज़ नहीं होगी। ये हमने एक बार इंस्पेक्शन में देखा, एक बार हमने ये देखा कि तीन मतलब सुपर, एक लोअर और दो उसके ऊपर सुपर, और उसमें पूरी मक्खी। सीजन का टाइम था तो हमारे एक मित्र ने डब्बे पे खट देसी की आवाज़ मारी और आवाज़ मार के कहा इसके अंदर क्वीन नहीं है। अच्छा, उनको इतना एक्सपीरियंस था कि उन्होंने उसकी आवाज़ से ये पता लगा लिया क्वीन नहीं है। उसके बाद हमने तीन बी कीपरों ने वो एक एक फ्रेम उस डब्बे का चेक किया, 30 के 30 फ्रेम चेक किए, पर हम हैरान रह गए कि उसमें क्वीन थी ही नहीं। जी। पर उसमें लाइंग वर्कर प्रॉब्लम अभी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए हमें उसको दोबारा डब्बे को ठीक करने का मौका मिल गया और वो डब्बा हमारा एक बहुत बड़ा डब्बा जो तीन फ्रेम तीन बॉक्सेस का डब्बा फुल था, वो हमारी कितनी मक्खी होंगी वो सारी बच गई। यानी लगभग 18 दिन का टाइम होता है हमारे, पास 15 से 18 दिन के बाद। ये क्या करते हैं कि वर्कर जो रॉयल जेली निकालती हैं, वो वर्कर बेबी वर्कर जो रॉयल जेली देती हैं, वो वर्कर भी जो बड़ी भी हैं वो खा लेती हैं, और उसके खाने से उसका एब्डोमेन बड़ा हो जाता है, और एब्डोमेन बड़ा होने से वो एक सेल में तीन तीन चार चार अंडे दे देती है। जी जी जी। सबसे बड़ी पहचान वर्कर ये इसकी लेइंग वर्कर की यही है कि आप जब फ्रेम को देखते हो तो उसमें एक फ्रेम में आपको 3 से 4 तक अंडे दिखेंगे, जैसा कि पिक्चर में शिव कुमार जी ने दिखाएंगे ये आपको। और ये जब अंडे डेवलप होते हैं तो इनकी एक स्मेल भी क्वीन जैसी बन जाती है, क्योंकि वही रॉयल जेली की जो स्मेल है बॉडी में जाएगी और बॉडी से वो भी सीक्रेट करेंगी, क्योंकि क्वीन जेली भी एक क्वीन सब्सटेंस सीक्रेट करता है, एक ग्लैंड्स है उसके थ्रू बॉडी में से इसके स्त्राव होता रहता है क्वीन के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उन्होंने अंडे देने शुरू करिए हैं तो उसमें नई क्वीन एस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वीन एक सब्सटेंस अपने बॉडी से निकालती रहती है और वो वर्कर चाटते रहते हैं, वो हर वर्कर को मिलना चाहिए। जी जी जी। और हर वर्कर का वो फुटप्रिंट है, वो एक विशेष प्रकार की सुगंध है जो वर्कर के अंदर आ जाती है, इसीलिए वर्कर बाहर से जाके अपैरी के अंदर अगर 100 डब्बे हैं तो अपने डब्बे में वो किस तरीके से पहुंचता है उसका जो है वो रहस्य यही है कि वो अपनी स्मेल स्काउट उसकी डब्बे की उस क्वीन की स्मेल लेके स्काउट बैठा है, उसी क्वीन की स्मेल लेके फोरेजर बाहर गया, बाहर से खाना लेके वापस आया, स्काउट उसको सूंघेगा, उसको फिर अंदर जाने देगा, अगर वो खाली आता है तो भी अंदर जाने देगा क्योंकि वो उसकी स्मेल सेम होती है। और ये इसका डब्बे का फुटप्रिंट है क्वीन सब्सटेंस। और दूसरे इस क्वीन सब्सटेंस का ये कार्य है कि ये मधुमक्खी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप नहीं होने देता, परंतु जब आपकी क्वीन चली गई तो आपका क्वीन सब्सटेंस तो खत्म हो गया। अब आपका क्वीन का सब्सटेंस कौन सा है, वही है जो वर्कर है। वर्कर का जो क्वीन सब्सटेंस है वही वो बाकी वर्करों में ट्रांसफर होगा और वही वर्कर आएंगे। जब आप नवी क्वीन देने की कोशिश करोगे तो वो क्वीन सब्सटेंस उसे मिलने का नहीं, और जो वो अंदर लेइंग वर्कर है वो उस क्वीन को मार दे। इसलिए नई क्वीन देना लेइंग वर्कर में ठीक नहीं है, कोई समाधान नहीं है। समाधान तो है, उसके लिए हम तरीका बताएंगे अगर नई क्वीन देनी हो वो किस तरीके से दे सकते हैं, परंतु अगर डायरेक्ट आपने केज करके क्वीन दे भी दी और लेइंग वर्कर को डब्बे से नहीं रिमूव किया तो समझो आपकी क्वीन वो बेकार गई, वो आपका क्वीन देना बेकार है। लेइंग वर्कर में ये तो आप कर सकते हैं कि अगर आपको स्टार्टिंग में लेइंग वर्कर की प्रॉब्लम पता लगती है तो उसमें अंडे वाला फ्रेम दे दो आप, वो क्वीन बनेगी, उस क्वीन को कुछ नहीं, क्योंकि उस क्वीन के हॉर्मोन उन्हीं क्वीन वर्कर जो सब्सटेंस छोड़ रहे वैसी होगी, परंतु जब वो डेवलप हो जाएगी तो वो अपना हॉर्मोन छोड़ने लग जाएगी, अपनी क्वीन सब्सटेंस छोड़ने लग जाएगी, उससे वर्कर कंट्रोल हो जाएगा। एक समाधान तो है ये। दूसरा समाधान हमारा ये है कि इसके लिए हमें क्या करना है, जब हमें कन्फर्म हो जाए कि ये तो वर्कर आ गए, क्योंकि और दूसरी बात है कि कई बार बी कीपर चेक ही नहीं करता, कभी डब्बे को चेक करता है काफ़ी लेट हो चुका, उस समय क्या होता है कि उसके मोस्टली ब्रूड के अंदर जो फ्रेम बनेंगे वो सारे ड्रोन के बनेंगे। अगर आप ये देखते हो कि आपके अंदर ब्रूड में वर्कर का फ्रेम नहीं है और जितना ब्रूड है वो सारे ही
टोपी नुमा है ऊपर उठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी क्वीन इसमें नहीं है। तो ये परसेंटेज कितने परसेंट ये समस्या आती है? जैसे भी ये समस्या तो मतलब मोस्टली आप ये मान के चलो कि 2-3-4% 3-4% आती रहती है हर एक बी कीपर को। हर एक बी कीपर को कभी ना कभी तो समस्या 2-4 होना ही पड़ता है। तो एपी सराना का एक बार मेरे पास था, मैंने उसमें देखी थी ये बड़ी समस्या। नहीं एपी सराना का नहीं, कोई सी भी हो जी, हनी भी टोटली एपिस में सब में सेम ही चीज है, क्योंकि क्वीन नहीं होगी तो ये समस्या आएगी आएगी। तो इसके अलावा और क्या क्या समाधान हो सकते हैं? इसके अलावा दूसरा एक इसका सबसे पहला समाधान ये है कि अगर आप स्टार्टिंग में हैं, उसकी कैपिंग कुपिंग नहीं हुई है, तो आप डब्बे के उस ओरिजिनल जगह से डब्बा उठाएं जी, और उसकी जगह एक दूसरा डब्बा वहाँ रख दें जी, फ्रेश डब्बा, और एक या दो फ्रेम उसके पुराने हैं वो उसी डब्बे में जाल लें, खाली कर लें, मतलब मक्खी उसी डब्बे में रहने दें, एक फ्रेम और वो उसको उसकी ओरिजिनल जगह पर लगा दें। इट मीन्स फ्रेम रिमूव करने, एक फ्रेम आपने उसका निकाल देना है, उसको वहाँ लगा देना है, और डब्बे को उठा के कम से कम 500 मीटर 500 मीटर दूर जाके आपने एक एक फ्रेम को झाड़ देना है जी जी जी, और वो खाली फ्रेम लाके उसी जगह उसी डब्बे में लगा देने हैं, या उन फ्रेमों को कम करके और डब्बों में दे सकते हैं, आप ख़त्म करना चाहें तो और डब्बों में दे दें, उस डब्बे को ख़त्म ही कर दें। बेटर तो यही है, बेटर तो यही है कि उस डब्बे को आप ख़त्म ही कर दो, क्योंकि वर्कर है वो कहीं ना कहीं घुस जाएगा, लेइंग वर्कर है उसे कोई घुस नहीं देगा ना ओढ़ पाएगा, क्योंकि 500 मीटर दूर जब आप छोड़ते हो, जब इसकी एब्डोमिन डेवलप हो जाता है, जो अंडे देने लगते हैं, तो उठने की क्षमता कम हो जाती है। अच्छा, तो वो जो लेइंग वर्कर है वो वहीं भूखा भाखा मर जाएगा अपने आप, और जो फॉरेजर हैं वो वापस आ जाएंगे, थोड़े बहुत बेबीज अगर हैं उसमें तो वो भी मर जाएंगे, क्योंकि बेबीज को ज़्यादा उड़ने लायक हैं वो कहीं ना कहीं एंट्री पा लेंगे। और अगर आपने डब्बा नहीं ख़त्म करना, आपके पास एक्स्ट्रा क्वीन है, फिर आप उस डब्बे को वहाँ ले आएँ और लगा दें और केज करके क्वीन को दे दें। अच्छा, और अगले दिन उसे खोल के देखें क्वीन एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर क्वीन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो क्वीन सेट है, और नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो उसे एक दिन दो दिन तीन दिन तीसरे दिन तो 100% श्योर है कि वो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। अच्छा, क्योंकि उसके अंदर लेइंग वर्कर प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, और क्वीन की स्मेल आ गई, नई स्मेल आ जाएगी, तीन दिन में वो क्वीन की जो स्मेल है सारा डब्बा एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद वो नया फुटप्रिंट बन जाएगा, आपकी क्वीन चल जाएगी। दूसरा ये है इसका समाधान। तो इसके बावजूद भी अगर नई क्वीन उसमें इंट्रोड्यूस ना हो रही हो, एक किसी ने कमेंट करके पूछा था कि इसके बाद भी समस्या नहीं सॉल्व हो रही है, तो उसको क्या नहीं, डब्बे को ख़त्म कर दो, डब्बे को खत्म। वो तो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि आप उस डब्बे को ख़त्म करो, एक एक करके फ्रेम और डब्बों में दे दो, आपकी मक्खी बची जाएगी, लेइंग वर्कर को दूसरी मक्खियाँ आप मार देंगे, परंतु अगर आपने वीक डब्बे में वो फ्रेम दे दिया तो वीक डब्बे की क्वीन को लेइंग वर्कर मार देगा वहाँ पे भी। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि पहले फ्रेम को झाड़ दो, वो बेटर वे है कि झाड़ दो, और उसके बाद अगर नहीं वहाँ स्टैंड पर डब्बा आप रखोगे तो ऑटोमेटिकली और डब्बों में मक्खियाँ बढ़ जाएंगी। और अगर आपने वही डब्बा चलना, आपके पास क्वीन स्पेयर है या क्वीन सेल स्पेयर है, तो आप उसको वहाँ चला सकते हो। अगर आपका स्पेयर क्वीन सेल भी है तो भी, परंतु लेइंग वर्कर कहते रहते हुए आप उसमें क्वीन सेल भी नहीं दे सकते। अच्छा, क्योंकि दूसरे फ्रेम का जो सेल आएगा तो वो लेइंग वर्कर एकदम तोड़ देगा, क्योंकि वो एज इमेजिन रानी ही होता है। वो इमेजिन ये करते कि मैं रानी हूँ, भले ही उसके नर पैदा हूँ, दूसरी बात जो इसके नर पैदा होते हैं वो फिट फॉर हैं मेटिंग के लिए। अच्छा, ये लोगों की धारणा है फिट फॉर नहीं है, परंतु ये साइंटिफिक प्रूव हो चुका है कि मधुमक्खी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो ड्रोन पैदा करती है वो भी मेल पूरे वही काम करते हैं जो सिंपल ऑफ सीजन ऑन सीजन में जो ड्रोन करते हैं। मतलब ड्रोन जो है बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी के पैदा होते हैं। हाँ बढ़िया, हाँ वो क्वालिटी, क्योंकि ड्रोन की जो है ना, ड्रोन की ड्रोन क्या है, ड्रोन आने वाली कॉलोनी का मामा है। ड्रोन जो ड्रोन है और जो वर्कर है उसके अंदर क्या फ़र्क है? उसके अंदर ये फर्क है, जो क्वीन है, जो ड्रोन है वो उसका भाई है। हाँ। और जो क्वीन जो वर्कर हैं वो क्वीन के बच्चे हैं। वो क्योंकि उसने संभोग किसी अन्य नर के साथ किया है, एक दो तीन चार पाँच सात जितने भी 20 तक
जी, ये मानते हैं, क्योंकि अब इसका स्टोर कैपेसिटी कम हो गई, इसलिए 20 तक है। आज से 15-20 साल पहले तो यही कहते थे कि 2 या 4, पहले तो एक ही कहते थे, फिर सुनने में आया कि 2-4 हो गए, पर अब ये कि ये प्रूव हो रहा है कि धीरे धीरे नरों के स्पर्म भी कम हो रहे हैं इसके, इसलिए मेटिंग ज़्यादा बार करती है। तो 15-20 बार तक ये मेटिंग अब करती है, यानी पहले माना जाता था कि थोड़े, हाँ, 1 या 2 बार या 4 बार, कहीं ज़्यादा ज़्यादा 5 बार तक मानते थे आज से 20 साल पहले, ये धारणा थी, परंतु अब ये धारणा बदल गई। अभी कहते हैं कि अप टू 20 टाइम अपना एब्डोमिन जब तक इसका अंडों से नहीं फिलअप होता था, तब तक ये मतलब मेटिंग के फ्लाइट करती रहती है, और जिंदगी में शुरू में ही फ्लाइट करती है, उसके बाद ये मेटिंग नहीं करती, टिल डेथ लग जाती है, तब तक अंडे, चाहे इसके अंडे बाद में फिलअप खत्म भी हो जाए, उसके बाद भी ये संभोग के काबिल नहीं रहती। जी, संभोग के काबिल सिर्फ पहले 1 हफ्ते के अंदर ही है, 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर, अगर 11 दिन के बाद संभोग करती है तो वो भी डिप्लेटेड क्वीन मानी जाती है, वो क्वीन कोई अच्छी क्वीन नहीं मानी जाती, और आमतौर पर उसे जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो नर भी पैदा होते हैं। परंतु एक बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि क्वीन अगर आपकी डिफेक्टेड भी है और पैदा होगी और वो बड़ी है और कॉलोनी में वो है क्वीन, चाहे वो नर अंडे दे या ना दे, कोई फर्क नहीं है, परंतु आपका लेइंग वर्कर प्रॉब्लम नहीं होगा उस डब्बे में। अगर आपकी किसी डब्बे में क्वीन डिफेक्टेड भी है, तो अगर आपके पास कोई ऑटोमेटिकली क्वीन तैयार नहीं है, तो आपको ये चाहिए कि उस क्वीन को ना निकालें जब तक आपके पास क्वीन का इंतजाम नहीं होता। अच्छा, अगर आप उस क्वीन को निकाल दोगे तो आप अपने आप ही लेइंग वर्कर प्रॉब्लम की समस्या उनके लिए क्रिएट कर दी। डिफेक्टेड क्वीन का जो क्वीन सब्सटेंस है, वो भी वर्कर को रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रोक के रखता है। हाँ, उनको ये तो है कि हमारे पास क्वीन है, जी, तो इसलिए वो रुके रहते हैं। तो ये आज का जो हमारा विषय था ये था, और इसके बारे में यही ध्यान रखने वाली बातें हैं कि लेइंग वर्कर प्रॉब्लम के लिए रानी को कम जल्दी जल्दी आप 15-20 दिन से ज़्यादा ना होने दें, अगर हो भी जाता है तो या तो उसे डब्बे को ख़त्म कर दें या आप उसके अंदर एग नवे दे दें ताकि वो क्वीन अपने आप बना ले। जो कॉलोनीज हैं उनकी रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए। हाँ, 15 दिन तो कम से कम होनी चाहिए जरूर। अगर आप 15 दिन नहीं भी करोगे तो आपके स्वार्म भी उड़ेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो स्वार्म हो जाते हैं, स्वार्म जो आपका वो भी तो आपका लॉस है। जी, स्वार्म भी हो सकते हैं और भी कई समस्याएं वो भी हो सकती हैं। तो आज ये सिर्फ क्वीन के बारे में है, और क्वीन दूसरी बात यह है कि क्वीन चाहे डिफेक्टेड हो चाहे रेगुलर हो, कम से कम वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, वर्कर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तो कंट्रोल करती ही करती है। मतलब फिर आप उसको अंदर, उसको डब्बे को बढ़ाने के लिए उसके अंदर आप छोटे फ्रेम देते रहें, ब्रूड के फ्रेम देते रहें, और ब्रूड के साथ आप अंडों वाला फ्रेम भी दे दोगे तो ऑटोमेटिकली नवी क्वीन आ जाएगी। अगर मेटिंग का टाइम है तो बेटर है, वो मेट हो जाएगी। अगर कई बार ऐसा होता है कि मेटिंग का टाइम नहीं होता, हमारे डब्बों में ड्रोन होती नहीं, उस समय हमें यह चाहिए कि हम उसे पका हुआ ब्रूड दें, कच्चा ब्रूड ना दें, क्योंकि वो हर बार क्वीन तो बनेगा। क्वीन आप कभी भी बना लो, लेकिन मैटिंग के बिना, मैटिंग के बिना उसका कोई फायदा नहीं है। तो वो इसलिए मेरा यही कहना है कि लेइंग वर्कर प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर आपकी डिफेक्टेड क्वीन है उसे भी रखें, मारे मत। जब तक आपके पास नवा क्वीन का इंतजाम, नवे डब्बे का इंतजाम नहीं होता, और नहीं तो डब्बे को दूर झाड़ के उसको ख़त्म भी कर सकते हैं, और उसके अंदर दूसरी क्वीन भी दे सकते हैं, उसके अंदर क्वीन सेल भी दे सकते हैं, और उसके अंदर अंडा का फ्रेम भी दे सकते हैं। जी, तीनों में से जो ही मर्जी आप समझा कर ले, वो आपको कामयाब हो जाएंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए, और आगे भी हम आपका समय लेते रहेंगे बीच बीच में पूछ करके आपसे। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।